गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक बार फिर से, ठीक है, काफ़ी लंबे समय के बाद, उसके पीछे रीज़न था कि बेसिक कुछ एग्जामिनेशंस था मेरा, जिसके कारण थोड़ा सा एग्जामिनेशंस में थोड़ा सा इन्वॉल्व थे, जिस कारण द हिंदू का जो न्यूज़पेपर्स है, ठीक है, उसको नहीं लेके आ पा रहे थे। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं, अब एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं आज द हिंदू का जो न्यूज़पेपर्स हैं और इडिटोरियल्स हैं। तो अब जो है कंटिन्यू रहेगी वीडियो, ठीक है, तो आप लोग वीडियो का देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जहाँ पे कोई दिक्कत होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं या हमें मैसेज टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बिना किसी समय का थोड़ा सा वेस्ट कर किए बिना, ठीक है, इधर उधर की बातें किए बिना हम लोग डिस्कस करते हैं। आज कितना है, 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी 2022, ठीक है, 4 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स हैं, ठीक है, उसका हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, ठीक है, जो पर्टिकुलरली यूपीएससी सीएससी, ठीक है, उसके बाद जाकर के बीपीएससी या एनी अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो, ठीक है, और जो भी बैंकिंग एसएससी रेलवे में जो भी जहाँ पर भी करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ पेपर से ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। देखिए फर्स्ट वन, ये फ्रंट पे जो न्यूज़ है, ये फ्रंट पे न्यूज़ है, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो एस्टेट है, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनके पास किसी तरह से कोई भी राइट्स नहीं है, ठीक है, वो किसी तरह से क्या है ना कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 का, ठीक है, तो आर्टिकल 19 में मेंशंस है, 19A में, ठीक है, मेंशंस है राइट टू फ्री स्पीच, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो उसी को लेकर के है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसे किसी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, किसी भी तरह के कर्ज या रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, नहीं लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, यदि कोई आप इधर उधर की बातें करता है या कॉन्स्टिट्यूशन से हद की बातें करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का किसी न किसी रूप में वायलेट करता है अपने जो उसका स्पीच के माध्यम से, तो उस पर क्या है ना कि एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है पिछले दिन, जो कहाँ पे, तो पिछले दिन जो है न्यू दिल्ली में जो सुनवाई हो रहा था, ठीक है, तो उनके द्वारा ये बताया गया है, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, दोनों एक साथ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इस चीज़ को ले कि किस तरह से जो डेवलपमेंट है, जो डिसिप्लिनरी अप्रोच है, कैसे कंट्रोल किया जाए। मान लीजिए कि अच्छा वो कोई भी हो सकता है मिनिस्टर्स हो, ठीक है, या कोई भी सिंपल पीपल्स हो, किसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है या लॉ एंड ऑर्डर है, उसे मेंटेन रखने की ज़रूरत है, ठीक है, ना कि किसी भी पब्लिक का जो राइट टू स्पीच है उसका वायलेशंस हो, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। देखिए यहाँ पे जो जब ये बात करते हैं, ये सेकेंड वन, तो यहाँ पे अभी क्या है कि जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो बॉर्डर इशू पर्टिकुलरली, चाहे वो इंडिया चाइना हो, ठीक है, या इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, तो जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, मेरा जो पॉलिसी है यानी इंडिया का जो पॉलिसी है, फर्स्ट वार की पॉलिसी नहीं है, और हम वार करने में यानी युद्ध करने में किसी तरह से विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, यदि कोई हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं, कोई भी फाइट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, यानी कि मेरा जो पॉलिसी है, ठीक है, हम किसी से वार नहीं करना चाहते हैं और वार पे विश्वास भी नहीं रखते हैं, ठीक है। हाँ, यदि कोई वार करना चाहता है, यदि कोई वार करता है हमारे ऊपर, तो उसके लिए भी प्रिपेयर हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है, ठीक है, हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बताया गया है, तो जो पिछले दिन बॉर्डर इशू हुआ था, ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे एक बार फिर से स्टेटमेंट दिया गया हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा। अब देखिए इस फ्रंट पेज पे, हाँ यहाँ पे अब क्या है ना कि आप जानते होंगे यूडीआई मतलब आधार, ठीक है, जो आधार कार्ड है उस पे जो नेम है, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, जो डाला जाता है, ठीक है, एड्रेस जो होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, ठीक है, तो वो आप इजीली, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है,
तो बस आपको क्या करना होगा, जो यूडीआई की वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ इसके लिए चार्जेस लगेंगे, और आप अपना आधार, ठीक है, का जो एड्रेस है वो अपडेट कर पाएंगे काफ़ी जल्द, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये जो है ये न्यूज में आया है, ठीक है। तो होता था क्या अक्सर कि मान लीजिए कोई गर्ल्स है, ठीक है, तो गर्ल्स का जो आधार कार्ड बनता था, ठीक है, उस पे जो एड्रेस रहता था मैरिज के पहले उनके फादर्स के, ठीक है, जहाँ पे उसका रेजिडेंट है, जहाँ पे उसका घर होता था वहाँ पे होता था। लेकिन जब मैरिज हो जाता था, ठीक है, तो उनके जहाँ हस्बैंड रहते थे, ठीक है, जहाँ पे उनके शादी होता था उनका एड्रेस वहाँ पे नहीं हो पाता था, ठीक, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती थी, ठीक है। बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके कारण से उसे नहीं मिल पाते थे। तो इसी को लेकर के ये एक अच्छा कहा जा सकता, ठीक है। तो अब जिनको एड्रेस चेंज करवाना है वो जा करके इजीली एड्रेस चेंज करवा सकते हैं, ओनली 50 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे, ठीक है, यूडीआई की वेबसाइट पे जा करके चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा पुणे में एक कॉन्फ्रेंस को, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, उनको वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, इनोग्रेशंस किया गया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा ये बताया गया कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं जो कंट्री के रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनको फुलफिल करने की आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, यानी साइंटिफिक जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, काफ़ी अहम है, और इसमें बढ़ चढ़ करके, ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, ठीक है, 16, ठीक है, जो साइंटिफिक कांग्रेस नागपुर है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा बताया गया है कि, और उसके बाद देख करके ये बताया गया प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा कि पर्टिकुलरली जब बात करते हैं हम, ठीक है, कि क्या क्या बेनिफिट मिला, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, जो मुद्रा योजना है, ठीक है, मुद्रा योजना में वुमेन्स जो है काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया, जिसके कारण, ठीक है, जो हमारे देश के, ठीक है, डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी अहम भूमिका है वुमेन्स का देखने को मिली, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब चलिए देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है, ठीक है। देखिए ये तो अभी जो राहुल गांधी है, ठीक है, उनके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, तो अभी कहाँ पहुँच गया, यूपी पहुँचे हैं, तो उसी को लेकर के ये लेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लिंक था एग्जामिनेशन से। देखिए यहाँ पे ये जो है अभी PMJKY, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, कल्याण अन्न योजना, ठीक है, गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, जो कि COVID-19 के पीरियड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आप जा करके उसे समाप्त कर दिया गया। तो इसी को लेकर के है जो अपोजिशन से पार्टी है उनके द्वारा ये बताया गया कि जो गरीब कल्याण योजना है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो जो गरीब पीपल्स थे हमारे कंट्री में, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं हार्ट किया गया है इस योजना के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया है कि इस योजना के तहत, ठीक है, 5 kg अन्य मिल गेहूँ मिलते थे और 5 kg चावल मिलते थे, तो टोटल मिला करके ये सब चीज़ बताया गया। और उसके बाद ये बताया गया कि जो यूपीए के गवर्नमेंट था, ठीक है, तो उस समय भी, ठीक है, उस समय इस तरह से स्कीम्स कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम चलते रहते थे, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया। अब देखिए जब ये बात करते हैं हम पर्टिकुलरली, ठीक है, ये न्यूज की, तो ये न्यूज पेन थोड़ा सा लगता है, कहीं पेन देखिए ये वाले न्यूज की जब बात करते हैं, तो ये न्यूज, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि जो कन्वर्जन है, ठीक है, कोई भी रिलीजन्स का कन्वर्जन इलीगल नहीं माना जाएगा, ठीक है। कुछ दिन पहले आया था ये कन्वर्जन का केस, जो क्या होता था, एक वन धर्म टू वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन्स कन्वर्जन हो जाते थे, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स होता था, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इश्यू देखने को मिला, ठीक है, अपने धर्म को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो रिलीजन्स है उसका कन्वर्जन किया जाता था, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है, ठीक है, कि जो कन्वर्जन है वो कहने का इलीगल नहीं है, ठीक है, किसी भी धर्म का, ठीक है। तो इसी को लेकर के हैं, ठीक है, वही जब बात करते हैं हम आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल कितना की बात करते हैं, 25 से
80 तक की बात करते हैं तो वहाँ पे मेंशंस हैं राइट टू रिलीजन्स, ठीक है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए जब हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो ये वाला न्यूज़ जो है, अभी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और यूके के जो किंग है चार्ल्स फिफ्थ है, ठीक है, उनके द्वारा डिस्कस किया गया G20 ग्रुप में, ठीक है, अभी कॉमनवेल्थ का जो हमारा देश है, ठीक है, कॉमनवेल्थ ग्रुप के, ठीक है, मेम्बर्स हैं इंडिया भी, ठीक है, तो जितने भी कॉमनवेल्थ के मेंबर्स थे, ठीक है, उनके द्वारा सभी के द्वारा, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत की गई, ठीक है, किस तरह से G20 का जो सम्मेलन है, ठीक है, उसके बारे में किस तरह से क्लाइमेट एक्शंस लेना चाहिए, सारे चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ था न्यूज़ में, ठीक है। अब देखिए पर्टिकुलरली जब बात करते हैं, इतना ही आज के लिए न्यूज़ रहने दीजिए, ठीक है। अभी देखिए, हाँ एक चीज़ और, अभी जो नेशनल, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया का, ठीक है, उनके द्वारा जो जहाँ पे अटैक हुआ था रजौरी में, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा, ठीक है, तो ये बताया गया कि यदि कोई भी, ठीक है, जो भी टीम्स हैं जो इस तरह से वहाँ पे अटैक किया था, ठीक है, कहाँ पे, तो रजौरी में, यदि कोई भी इस तरह से विक्टिम्स का हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसे 10 लाख तक का रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बताया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ विशेष न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं आज इडिटोरियल्स क्या है। आज दो इडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट इडिटोरियल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट इडिटोरियल, ठीक है। अब देखिए पहला इडिटोरियल्स की जब बात की गई कि यहाँ पे जो एनिमल्स के रिलेटिव, यानी कि एनिमल्स को क्या करते हैं ना कि अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, अपने निजी लाइफ के लिए, ठीक है, पर्सनल किस तरह से लाइफ पे इफेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो एनिमल्स है उस पर उसका हत्याएं की जाती है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं जान से मार दी जाती है, उसे उसका उसके प्रति कहीं ना कहीं क्रूरिटी दिखाते हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे एडिटोरियल्स आता है कि जो प्रिवेंशन है, ठीक है, एनिमल्स क्रूरिटी के लिए, ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है, ना कि सिर्फ जो हमारे देश में, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट है, सिर्फ उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, स्टेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। किस तरह से जब हम, हाँ यहाँ पे ये बताया गया कि हाँ भले ही आर्टिकल, ठीक है, 21 में पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है, और वही आर्टिकल जब बात करते हैं 14 की, ठीक है, यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या है ना कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, यदि किसी पीपल्स को या किसी ह्यूमंस को, ठीक है, कोई एनिमल्स अटैक करता है तो ठीक है, उस केस में आप अपना स्वयं प्रोटेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शंस के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी भी एनिमल्स की हत्याएं करना, ठीक है, क्रुएल्टी, ठीक है, दिखाना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। वही हम जब बात करते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ठीक है, 1960 की बात करते हैं, तो इसमें मेंशंस है किसी भी तरह से एनिमल्स का, ठीक है, हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस करना चाहिए, ठीक है, उसके प्रति यदि इस तरह से कोई एक्शंस लेते हैं क्रुएल्टी वाले, ठीक है, तो उस पर कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सजा हो, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये एडिटोरियल में आया है, ठीक है, किस तरह से हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस, ठीक है, और जो फॉरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे मेंशंस है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें एडिटोरियल में बताया गया है कि जो एनिमल्स राइट्स है, ठीक है, क्या क्या सेफ्टी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ मान लीजिए बहुत सारे जगह पे देखते होंगे क्या होता है ना कि किसी कारणवश, ठीक है, मान लीजिए कि इधर से ट्रेन जा रही है, इधर से पटरी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जंगल है, इधर भी जंगल है, ठीक है, इधर से हाथी या इधर से लाइन, किसी तरह से क्या होता है ना कि क्रॉस करते हैं जिसके बाद वजह से ट्रेन इसको कुचल देती है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ किस तरह से हम लोग इसको एक अलग, ठीक है, कहीं ना कहीं वे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो एनिमल्स है उसको प्रोटेक्शंस मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें है, उसके बाद लेकर के केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे लाइफ का, ठीक है, बैलेंस बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। एनिमल्स भी हमारे लिए काफ़ी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे चीज़ इस एडिटोरियल में बताया गया है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एडिटोरियल्स की जब बात करते हैं तो नेक्स्ट एडिटोरियल्स, ठीक है, ये कौन सा एडिटोरियल्स है, ये जो है अभी रिसेंटली जो इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, ठीक है, उसी उसी के बारे में यहाँ पे एडिटोरियल्स
राइटर के द्वारा ये बताया गया कि जो हमारा अभी महत्वपूर्ण समय है, ठीक है, जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं, तरह तरह के जो भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, तरह तरह के जो एक्सरसाइजेस हैं वो करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है कि किस तरह से हमें पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। अभी पर्टिकुलरली क्या है, जो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो चाइना है, ठीक है, चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं बार बार इशू क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है कि जो हमारे देश के, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ के बारे में कहने के डिप्लॉयमेंट जो इंडियन आर्मी है उसको भी करके रखना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, तो जहाँ पे बॉर्डर इशू है पर्टिकुलरली, ठीक है, और एयरफोर्स, ठीक है, नेवी, ठीक है, आर्मी को, ठीक है, तरह तरह के ऑपरेशन, ठीक है, जो मल्टी डोमेन, ठीक है, ऑपरेशन हैं उससे अवगत कराते रहना चाहिए, ठीक है। तो सारे चीज़ को लेकर के ताकि हम आने वाले दिन में किसी भी तरह से अगर कुछ इस तरह से घटनाएँ घटती है तो हम लोग पहले से प्रिपेयर हों, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि जो मल्टी डोमेन, ठीक है, ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, एडिटोरियल पब्लिश किया गया। तो आज तक के लिए इतना ही, जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था उसका हमने डिस्कशंस कर लिया, ठीक है। फिर भी कोई कहीं पर लगता है, ठीक है, आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।